Hi everyone, Assalamualaikum, how are you all? As always, I am good, I hope you all good. Today, I am just sharing the review about Bundoo Khan barbecue items. यहाँ का barbecue item बहुत famous है, गोला कबाब, सीख कबाब, chicken tikka especially पूरी पराठा क्योंकि शिकागो में सिर्फ Bundoo Khan पे ही पूरी पराठा मिलता है और so delicious. इनकी बिहारी बोटी, मलाई बोटी, वो भी बहुत मज़े की होती है. मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था बिहारी बोटी, मलाई बोटी एंड सीख कबाब एंड पूरी पराठे का. इनकी कढ़ाई भी बहुत फेमस है, कढ़ाई के साथ गार्लिक नान भी बहुत फेमस है एंड गार्लिक नान और एंड बिरयानी का आई डोंट नो बिरयानी अबाउट बिरयानी. मैंने बिरयानी ट्राई नहीं करी यहाँ की, बट बारबेक्यू आइटम ऑफ द होम इज़ फेमस. चिकन टिक्का भी बहुत फेमस है, चिकन टिक्के की भी रिव्यू मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी. और अगर आपने ट्राई करना है तो इनका पूरी पराठा रोल भी बहुत डिलीशियस होता है. पूरी पराठा रोल के अंदर बिहारी बोटी रोल मैंने ट्राई किया था, इट्स सो डिलीशियस. तो जनाब मैं यहाँ पे ऑर्डर का वेट कर रही हूँ पिकअप करने के लिए, थोड़ा सा टाइम है अभी, कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम है. तो जब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये लोग किस तरीके से बारबेक्यू आइटम बना रहे हैं. और एक बात मुझे ये है कि ये लोग फ्रेश बनाते हैं. मैं समझ रही थी कि ये मेरा पार्सल तैयार हो रहा है, बट मेरा पार्सल नहीं था ये. अगर आपने इनका पूरी पराठा रोल ट्राई करना है तो उसको आप यहीं पे टोको मत करवाइएगा, यहीं पे बैठ के खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. बिकॉज मैं सो घर लेके चली गई थी और मेरी ड्राइव 1 आवर्स की ड्राइव है. 1 आवर्स के बाद जो वो पूरी पराठा रोल का यू नो के टेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था. वो जो ताज़े ताज़े पूरी पराठे आते हैं और खाने के अंदर मज़ा जो होता है ना, वो तो बस यहीं पे बैठ के खाने में मज़ा है. तो ट्राई करना हो रोल पूरी पराठा जो भी, तो वो यहीं पे बैठ के ट्राई करिएगा. जी जनाब, तो ये मैं घर लेकर आ गई थी और फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें से सबसे मज़ेदार और सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी थी. जी जनाब, इसके अंदर क्या है ज़रा मैं देखूँ. खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है. यम यमी, ये है बिहारी बोटी. तो देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है और इनकी बिहारी बोटी होती भी बहुत मज़े की है. ये है जनाब पूरी पराठे, जो कि ये घर आने तक थोड़े से जो है ना वो कुरकुरापन इनका ख़त्म हो गया था. जी जनाब, ये हैं इनके सीख कबाब मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखने में आप लोगों को भी लग रहा होगा. सीख कबाब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करे हैं. मलाई बोटी, बिहारी बोटी एंड इसके जो टिक्का है वो ट्राई कर चुकी हूँ मैं. सीख कबाब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं, मतलब लग नहीं रहा कि ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े के होंगे. मलाई बूटी, जी मलाई बूटी भी बहुत डिलीशियस लग रही है. जी जनाब, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये सीख कबाब टेस्ट में कोई इतने ख़ास नहीं थे, बस ठीक थे, इट्स ओके थे. हाँ, बट बिहारी बोटी एंड मलाई बोटी का टेस्ट सो डिलीशियस था, सो डिलीशियस. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा एंड प्लीज़ द बेल आइकन. और अगर आप लोगों ने भी किसी में से भी इसकी कोई भी चीज़ ट्राई करी है, बुंदू खान की बारबेक्यू आइटम, बिरयानी, कढ़ाई और नान वगैरह, तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में. ऑनेस्टली जो बिहारी बोटी है इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है, और जो इसके साथ चटनी है और रायता और ये जो चटनी है ना, खट्टी मीठी चटनी के साथ आके खाएँ और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है. और मलाई बोटी का टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है, मलाई बोटी भी अपनी जगह बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है. बस सीख कबाब जैसा मैं टेस्ट चाह रही थी सीख कबाब का, तो उस तरह का सीख कबाब का टेस्ट नहीं है, बाकी सब डिलीशियस है. सो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ. जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.